हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे चिकन 65, जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन जो चंक्स में है। इसमें डालूंगी सफ़ेदी अंडे की, अब डालूंगी नमक, मिर्ची, हल्दी और कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छे से मैं मैरिनेट कर 1 घंटे तक मैं रख दूंगी। मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में। अब उस मैरिनेटेड चिकन को मैं इसमें डीप फ्राई करूँगी, तो मैं ज़्यादा ओवरक्राउड नहीं करूँगी। मैं छोटे पीसेस डाल रही हूँ, ज़्यादा उसमें डंप नहीं कर रही हूँ, और मैं सिर्फ उसे तलूँगी जस्ट 1 मिनट। अगर आपको सॉफ्ट चिकन चाहिए तो आप बिल्कुल 1 मिनट ही तलेंगे। अब मैं सेकेंड बैच डाल रही हूँ। इस तरह मैं सारा मैरिनेटेड चिकन बैचेस में फिनिश कर लूँगी और बिल्कुल 1 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। अब जब फ्राई करेंगे तो आप तेज़ आंच पे ही फ्राई करेंगे, आप उसे कम नहीं करेंगे। अब ये लास्ट बैच है चिकन का, अब उसे भी मैंने फ्राई कर लिया है उसी तरह। अब ये फ्राई होते ही हम तैयारी करेंगे इसके। अब मैं छोटी से कटोरी में लूँगी 2 चम्मच दही, उसमें डालूँगी 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसकी वजह से आपका दही फटेगा नहीं, और इसमें डालूँगी रेड कलर, इसे अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आप दही ज़्यादा करते हैं तो आपका चिकन 65 वेट बनेगा, अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप बिल्कुल कम दही लेंगे। मैंने लिया है तेल और मेरे पास है ज़ीरा, मैंने डाली है स्लिट मिर्ची, गार्लिक और करी पत्ता। मैंने जो सॉस बनाया था उसको मैं इसमें ही डाल लूँगी। इसमें डालूँगी मिर्ची, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइस चाहिए, और थोड़ी सी नमक। अब इन सारी चीज़ों को चिकन में मिला दूंगी, थोड़ा सा सोया सॉस और आखिर में विनेगर आखिर में डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डालेंगे तो ये पककर है ना आपको कड़वा मज़ा देगा। तो ये बहुत आसान और बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए सॉफ्ट चिकन 65।